जी नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार। आज सभी को हमारा YouTube चैनल महर्षि पराशर वैदिक ट्रस्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मकर राशि को लेकर और वर्ष 2020 मकर राशि के लिए कैसा रहेगा, इसी रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। आज मकर राशि में शनिदेव का संचार 24 जनवरी को हो रहा है और शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि से मकर राशि को भ्रमण करेंगे, उसी दौरान बहुत ही जबरदस्त स्थिति बनेगा, क्योंकि शनिदेव सस महापुरुष योग लग्न में बना देंगे। और शनिदेव जब लग्न के ऊपर आ जाएंगे, वो चंद्रमा के साथ शनिदेव का जब मिलन होगा तो साढ़े साथी का ये दूसरा चरण आ जाएगा। जो लोग साढ़े साथी अभी भोग रही हैं मकर राशि के लिए, और साढ़े साथी का ये दूसरा वाला चरण छाती के ऊपर रहेगा, और उसी दौरान हेल्थ रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर डलेंगे शनिदेव। और जो लोग मानसिक टेंशन में हैं साढ़े साथी के कारण से, उन लोगों को मानसिक राहत जरूर मिलेगा। और शनिदेव का जो दृष्टि रहेगा वो तीसरा वाला दृष्टि में थर्ड हाउस को देखेंगे। थर्ड हाउस क्या होता है? मेहनत का होता है, छोटे भाई के होते हैं, और उसी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी जरूर डालेंगे शनिदेव। और शनिदेव का जो दृष्टि रहेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर, वैवाहिक जीवन के ऊपर भी थोड़ा उथल पुथल रहेगा। और शनिदेव का और एक दृष्टि रहेगा जो कि दसवें दृष्टि में शनिदेव टेंथ हाउस के ऊपर दिखेंगे, तो ये उच्च का दृष्टि में शनिदेव जॉब लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो लोग प्रमोशन लेने के लिए चाहते हैं, जो लोग नौकरी बदलने के लिए चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति बनेगा। और जो लोग नया जॉब तलाश करने के लिए सोच रहे हैं, उन लोग का मनोकामना भी उसी साल फुलफिल जरूर होगा। और साथ में हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े बेहतरीन प्लैनेट जो कि गुरुदेव बृहस्पति देव। बृहस्पति देव मकर राशि में 12वें भाव में संचार कर रही हैं, और 30 मार्च से लेकर 30 जून तक बृहस्पति देव नीच होकर लगन में बैठेंगे शनिदेव के साथ। और उसी दौरान शनिदेव ओन साइन में बैठने के कारण बृहस्पति देव नीच भंग राजयोग कंडीशन में आ जाएंगे, और उसी साल एक बेहतरीन स्थिति लगन में आकर बृहस्पति देव उस शिक्षा भाव को देखेंगे। और जो लोग पढ़ाई करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है, उन लोग के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा उस शिक्षा। और ये सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे, और जब भी उच्च राशि उनका कर्कट राशि के ऊपर जब उच्च दृष्टि डालेंगे, तो उसी दौरान वैवाहिक जीवन के लिए एक शानदार और बेहतरीन स्थिति बना देंगे। और बृहस्पति देव का भाग्य भाव पर दृष्टि रहना ये भी आदमी को बहुत भाग्यवान बना देता है। और साथ में हम बातें करेंगे उनका जॉब लाइफ को लेकर। जॉब लाइफ में जो भी मकर राशि के लिए शनिदेव का दृष्टि, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल में काम करते हैं, और कोई इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। जो लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा 2020। साथ साथ शनिदेव का राशि परिवर्तन ये एक जबरदस्त फायदा डालेगा कैरियर के ऊपर। और लव लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। मकर राशि वालों के लिए 28 मार्च से लेकर 1 अगस्त तक शुक्रदेव ओन साइन में पंचवें भाव में बैठेंगे। पंचम भाव में शुक्रदेव का बैठना ये एक शानदार स्थिति बना देता है। जो लोग लव लाइफ में है अभी तक, उनको शादी का मौका भी मिलेगा, उनका लव लाइफ काफ़ी बढ़िया रहेगा। और साथ साथ शुक्रदेव का पंचम भाव में संचार, जो आदमी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, और जो आदमी कोई काम करते हैं, उनका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। साथ साथ शुक्रदेव फिल्मी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरी के लिए काफ़ी बढ़िया हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा वो सारे के सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। और हम बात करेंगे उनका मैरिज लाइफ को लेकर। मैरिज लाइफ शुरुआत में थोड़ा उथल पुथल रहेगा, क्योंकि शनिदेव का सप्तम भाव को डायरेक्ट दृष्टि होने के कारण से जब शनिदेव के साथ बृहस्पति देव का एक साथ मिलन होगा 30 मार्च से लेकर 30 जून तक, उसी दौरान मैरिज लाइफ में काफ़ी परिवर्तन रहेगा। और उसी दौरान जो लोग मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं, उनको मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगा। और साथ में हम बात करेंगे हेल्थ रिगार्डिंग इशू के लिए। और जो भी
मकर राशि के लिए जो लोग को हेल्थ में छोटा मोटा परेशानी है, राहुदेव का छठे भाव में बैठना, ऐसा ही माना जाता है कि राहुदेव जब छठा भाव में बैठ जाते हैं और ये फाइनेंस के लिए काफ़ी बढ़िया होते हैं, क्योंकि ये उच्च में बैठे हैं। जो लोग शेयर में, लॉटरी में, जुए में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा बेनिफिट। और हेल्थ के लिए और छोटे मोटे गुप्त शत्रु बनने के लिए, और जो लोग कंपटीशन करते हैं, कंपिटिटिव तैयारी करते हैं, उन लोग के लिए भी थोड़ा बहुत राहुदेव सहायक जरूर होंगे। और गुरुदेव और केतु और पांचों ग्रहों का द्वादश भाव में संचार, ये एक स्थिति ऐसा रखेगा शुरुआत में, बहुत सारा एक्सपेंसिव बढ़ा देगा मकर राशि के लिए, बहुत सारा फाइनेंशियल लॉसेस भी डालेगा, साथ साथ कोर्ट कचहरी मामला में भी जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर डालेगा। और हम बात करेंगे वेल्थ के बारे में, तो एकादश भाव में मंगलदेव का संचार वर्ष का प्रारंभ से 7 फरवरी तक मंगलदेव जब 11th हाउस में रहेंगे तो ये बेहतरीन स्थिति बनाएंगे। जो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ साथ बड़े भाई के साथ भी रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा वर्ष 2020। और जो लोग भगवान शिव को पूजा करेंगे, पूजा आराधना करेंगे, और वर्ष का प्रारंभ से शनिदेव का जो भी 7.5 का संचार हो रहा है उसी दौरान थोड़ा बहुत उनको परिवर्तन जरूर मिलेगा। और कुछ ना कुछ, और जो लोग भगवान शिव जी की पूजा आराधना करेंगे उनके लिए काफी बेहतरीन स्थिति बनेगा। और श्री यंत्र को सिद्ध करा के गले में धारण करने से वर्ष 2020 मकर राशि के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आज इतना ही, अगला वाला एपिसोड में हम बात करेंगे नया राशि के साथ। और हमारा वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, साथ साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला वाला वीडियो आपका नोटिफिकेशन में पा जाएगा। आज इतना ही, रहता हूँ, नमस्कार।